विचार यात्रा, क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है। श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो के विचार यात्रा कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं इब्ने इंशा की एक गजल, जिसे सहकार रेडियो के लिए रिकॉर्ड किया है फिल्म लेखक और पत्रकार साथी अपराजित शुक्ला ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल। इब्ने इंशा साहब की गजल है जिसका नाम है खामोश रहो। कुछ कहने का वक्त नहीं ये, कुछ न कहो खामोश रहो। ऐ लोगों खामोश रहो, हाँ ऐ लोगों खामोश रहो। सच अच्छा पर उसके जलू में जहर का है एक प्याला भी। जलू का अर्थ है उसके पीछे छुपा हुआ, उसके साथ साथ आने वाला। सच अच्छा पर उसके जलू में जहर का है एक प्याला भी। पागल हो क्यों नाहक को सुकरात बनो, खामोश रहो। हक अच्छा पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। हक अच्छा पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। तुम कोई मंसूर हो जो सूली पे चढ़ो, खामोश रहो। उनका ये कहना सूरज ही धरती के फेरे करता है। उनका ये कहना सूरज ही धरती के फेरे करता है। सर आंखों पर सूरज ही को घूमने दो, खामोश रहो। महबस में कुछ हब्ज है और जंजीर का आहन चुभता है। महबस कैप्टिविटी है, कैदखाना है। हब्ज कैदखाने की घुटन है और जंजीर का जो आहन है, लोहा है, वो चुभता है। कैदखाने की घुटन में जंजीर का लोहा गढ़ता है, चुभता है। महबस में कुछ हब्ज है और जंजीर का आहन चुभता है। फिर सोचो खामोश रहो। गर्म आंसू और ठंडी आहें, मन में क्या क्या मौसम है। गर्म आंसू और ठंडी आहें, मन में क्या क्या मौसम है। इस बगिया के भेद न खोलो, सैर करो खामोश रहो। आंखें मूंद किनारे बैठो, मन के रखो बंद किवाड़। आंखें मूंद किनारे बैठो, मन के रखो बंद किवाड़। इंशा जी लो, धागा लो, लब सी लो, खामोश रहो। कुछ कहने का वक्त नहीं ये, कुछ न कहो खामोश रहो। ऐ लोगों खामोश रहो, हाँ ऐ लोगों खामोश रहो। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इब्ने इंशा की गजल, जिसे सहकार रेडियो के लिए रिकॉर्ड किया था फिल्म लेखक और पत्रकार अपराजित शुक्ला ने। तो कल फिर मिलेंगे विचारों के इसी सफर में। फिलहाल दीजिए अनुमति अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। विचार यात्रा, क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है।